रहे हैं और हीट मार्केट सेट को डेट दुकान के सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बिना नॉलेज के चला रहे हैं बॉन्ड न्यूज़ लाइन देख देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एसर टेलीकॉम ही क्यों, मतलब देखे तो आपने बहुत से भी ऑर्डर होंगे तो देखा था सर, बहुत जगह बात भी किया था, लेकिन यहाँ का जो क्वालिटी मुझे लगा, और जो मैं ऐसा भी नहीं था कि आके मैं ज्वाइन ही करूंगा, आके जब पहले दिन आया देखा जो क्वालिटी लगा मुझे एकदम बेस्ट है। क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल क्लास मिलता है। बिल्कुल सर, पूरा प्रैक्टिकल है यहाँ, पहले थ्योरी होता है उसके बाद वही चीज आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा और तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आपसे होना। तो हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर। अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम 28 मार्च। मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिन्होंने कंप्लीट किया है फुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी कोर्स। अगर हम ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, एक बार दिखाइए, आप चाहें तो फेसबुक में लाइव जा सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो फेसबुक में लाइव जा सकते हैं, और आप चाहें तो ये वीडियो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, और दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे साथ राजेश हैं, जानेंगे उनकी जर्नी। सबसे पहले जानेंगे राजेश कहाँ। सर मैं असम से हूँ, गुवाहाटी। राजेश क्या करते थे सर? मोबाइल रिपेयरिंग करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस चार्जिंग जैक नॉर्मल जो करते हैं, डिस्प्ले वगैरह ये सभी, बाकी कुछ नॉलेज नहीं था। तो राजेश आपको क्यों लगा कि एक इंस्टीट्यूट से सीखा जाए, कोई दुकान में बैठ के क्यों नहीं सीखा या ऑनलाइन? सर आपका वीडियो देखता था, और ऐसे भी अगर कुछ भी अच्छा ज्ञान चाहिए आपको, अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखना चाहिए, वरना तो यूट्यूब देखो जंपर मारो वैसे ही चलेगा जिंदगी भर। तो राजेश एसर टेलीकॉम ही क्यों, मतलब देखे तो आपने बहुत से भी ऑर्डर होंगे। देखा था सर, बहुत जगह बात भी किया था, लेकिन यहाँ का जो क्वालिटी मुझे लगा, और जो मैं ऐसा भी नहीं था कि आके मैं ज्वाइन ही करूँगा, आके जब पहले दिन आया देखा जो क्वालिटी लगा मुझे एकदम बेस्ट है। पहले दिन जब काउंसलिंग क्लास हुई थी राजेश, और उसके बाद अगले दिन आपने जब पूरी क्लास अटेंड की थी, तब तो आपको लगा था कि एकदम एकदम सर उस दिन ही लगा पैसा वसूल है, सही जगह है, सही जगह। राजेश मैं जानना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं देश में और सभी क्या दावा करते हैं ये सारी चीज़ पढ़ाने का, बट बेसिकली यहाँ पर आपने देखे कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है, एक भी बच्चा, हर बच्चे अपना माइंडसेट के हिसाब से आते हैं, किसी का माइंड कम भी होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है, कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है एसर टेलीकॉम की टीम किसी भी बच्चे को छोटी है क्या? नहीं नहीं सर, यहाँ मैं बोला ना, अगर आप जीरो भी हो एकदम फ्रेशर, देखे जाए तो हम लोग भी फ्रेशर ही है, कुछ पता नहीं था, बस डिस्प्ले वगैरह, बाकी बोर्ड का कुछ काम नहीं, लेकिन मैं जितना सीखा हूँ एक फ्रेशर लड़का भी उतना ही सीखा है। अच्छा राजेश आपकी बात करेंगे तो आपको बोर्ड पर कोई नॉलेज था कैसे? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं था, एकदम जीरो था सर, यहाँ आके पूरा आप कंप्लीट होके जा रहा हूँ। तो राजेश तीसरे चौथे दिन की अगर तुम्हारी बात करें तो तुमने तो रिबोलिंग यूनिवर्सल से किया, लगाया भी 4G लाइव CP 4G लगाया भी, ऑन भी किया सेट यहाँ, और उसके बाद डेली जो तुमने डायग्राम्स पढ़े हैं क्या सिर्फ बोर्नियो के लाइनों के आधार पे पढ़े हुए हैं या डायग्राम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ बोर्नियो से नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ सीमेटिक डायग्राम से है, और पूरा आपको एंड टू एंड नॉलेज मिलेगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। और जितना भी हम पढ़ते हैं राजेश, जो भी हम क्लास अटेंड करते हैं उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल क्लास मिलता है? बिल्कुल सर, पूरा प्रैक्टिकल है यहाँ, पहले थ्योरी होता है उसके बाद वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आपसे होना। तो देखा जाए तो जो हम कहते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे क्लास चलती है, वो वाकई में चलती है यहाँ पर? एकदम सही है सर, ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी 8 बजे आते थे, रात को 10:30 बज जाता था। राजेश यहाँ से आने से पहले क्या जिंदगी थी, अब यहाँ से जाने के बाद क्या जिंदगी है? मैं सर बहुत चेंज है, बहुत, मतलब बोला ना जीरो आया था और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, मतलब नॉलेज। तो राजेश मैं एक, जैसे हमने एक अपना कैप्शन बनाया हुआ है कि जिंदगी बदल दो, तो वाकई में क्या ये एकदम सही है सर? 200% सही है, बिल्कुल बदलेगा, है ना यहाँ से जाने के लिए? क्योंकि फील जब कोई काम आता है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब नॉलेज आता है तो हमें लगता है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं। सही बात है सर, और जब ऐसा इंस्टीट्यूट हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। बिल्कुल। और राजेश मैं भी ये जानना चाहता हूँ, इस देश में बेरोजगारी बहुत है, लोगों के पास काम नहीं है, डिग्रियाँ हैं, डिग्री और नॉलेज बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। अब नरेश, अब राजेश मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिग्री किसी के पास भी हो पर अगर नॉलेज होगा तो वो कहीं ना कहीं से काम उठा ही लेगा। सही बात सर, और नॉलेज नहीं है तो फिर डिग्री का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। कोई दुकान खोल के भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। सारे लोग इंडिया में बिना नॉलेज के दुकान खोल के और चार्जिंग कनेक्टर डिस्प्ले बदल रहे हैं और हीट मार्केट सेट को डेट दुकान के सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी बिना नॉलेज के चला रहे हैं बॉन्ड न्यूज़ लाइन देख देख के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश अगर मैं बात करूँ सेकेंड लास्ट डे आपने कौन सा सर ने जो बताया हमको कैसे करना है, एकदम बोलता है ना मक्खन मलाई, मक्खन मलाई। अच्छा और मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर की, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर में राजेश कैसा अनुभव? सॉफ्टवेयर एकदम बेस्ट है सर, एकदम बहुत अच्छा UMC का नॉलेज था और दुर्गेश सर से मिला वो सॉफ्टवेयर का, वो सब भी एकदम बेस्ट। और मिलन सर की पढ़ाई की बात करूं तो मिलन सर का प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज है जो एक नॉर्मल बच्चा शायद ही समझ पाए, क्योंकि कोडिंग आ जाती है
और जो UEFI के स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं। तो आपको कैसा लगा कि क्या मुझे प्रोग्रामिंग चलो जाके करूँगा या समझ में आया? नहीं, पहले जब मैं प्रोग्रामिंग का क्लास था तो मैं सोचा क्या होता है प्रोग्रामिंग, नाम सुनने में ऐसा लगता है, वीडियो भी बहुत देखा था, टफ होता है ये, लेकिन सर ने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया वो मतलब दिमाग में छप चुका है, भूलूंगा नहीं, कॉपी देखने का भी जरूरत नहीं। और ब्लैक पे स्टेट की बात करें राजेश, कोई सा भी वन प्लस वीवो ओप्पो एसर टेलीकॉम कभी ऐसा तो नहीं बोलता कि अभी ये मत निकालो, अभी ये ब्लैक पेस्टेड निकल जाए? नहीं नहीं, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको मतलब मोबाइल वाइज तो होगा ही नहीं, जो भी कराएगा आपको CPU वाइज है, ब्लैक पेस्टेड और व्हाइट पेस्टेड सब मक्खन करके भेजा जाएगा। तो आपको ब्लैक पेस्टेड कैसा हुआ? एकदम सर, एकदम बेस्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ की टीम की बात करूँ, मोहम्मद सर, दीपक सर की बात करूँ, पूरे टीम की अगर डिसिप्लिन की बात करूँ तो कैसा रहा? डिसिप्लिन बहुत अच्छा, और हर चीज के लिए अलग अलग टीचर रखा गया है ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। हर टीचर की हर समय एक एनर्जी मिलती है आपको पूरा फुल, जैसे हम लोग थक जाते हैं लेकिन टीचर कभी नहीं थकता है। यहाँ पे आपको पढ़ाते रहेगा और जब खुद आइएगा आप देखिएगा कितना मेहनत करते हैं ये लोग। हर बार ऐसे लगेगा कि पहला ही बैच पढ़ा रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत दिन से पढ़ा रहा है। और आखिरी में आपको NAND प्रोग्रामिंग बताई गई थी, तो वो कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा एकदम। तो मतलब जो कमिटमेंट कर रहे थे आपसे आने से पहले वो फुलफिल हुआ है? पूरा फुलफिल है सर, जितना किया उससे बहुत ज्यादा दिया सर। आईफोन का वो NAND प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब भी बताया। तो राजेश मुझे बताओ कि Acer Telecom में सिर्फ सीख के जा रहे हैं या वाकई में कुछ लाइफ में बदल के, कि लाइफ में कि हाँ मुझे बदल दिया कंप्लीटली? सीखे हैं उससे ही बदलेगा लाइफ, और 100% श्योर है जो ज्ञान मिला है यहाँ से जाके अब यूटिलाइज करना है, बस वो अपने ऊपर है आपको करना है नहीं करना है, लेकिन जो भी ज्ञान मिला है टॉप क्वालिटी का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। तो राजेश एक हमसे वादा करोगे कि जो डिसिप्लिन तुमने यहाँ पे क्लास में अडेप्ट किया था, जो तुमने यहाँ पर अपने आप को क्लास में टाइम दिया था, उतना ही टाइम तुम अपनी ज़िंदगी में अपने काम को दोगे? बिल्कुल सर, जब प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो कैसे होगा, प्रैक्टिस मेन है। आप सीख के जाओ यहाँ से, प्रैक्टिस करो, 100% बोलता हूँ जो नॉलेज मिला है उससे आप श्योर सक्सेस हो गई। यहाँ से जाने पर क्या प्लानिंग? सर यहाँ से जाके तो आप धूम मचाना है सर। पक्का? पक्का सर। क्या बोलना चाहेंगे आपके आसाम से लोगों को? जो भी देख रहा है आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास आओ, बढ़िया ज्ञान मिलेगा और सीख के जाओगे कुछ, अगर सीखना है तो आओ। थैंक यू राजेश, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।